निलॉस यूनिसेक्स सैलून एंड एकेडमी अपोजिट बदर विद्यालय वैशाली नगर अजमेर इंटरनेशनल वॉचेस कलेक्शन बाय मिनट्स टू स्टाइल मार्टिंडल ब्रिज अजमेर एस्ट्रॉन यूनिसेक्स सैलून कचहरी रोड अजमेर सैलून जो आपको देता है स्टाइल। आज हमने कलेक्टर साहब के यहाँ पर उपस्थित होकर युवक कांग्रेस और NSUI के समस्त पदाधिकारियों ने आज कलेक्टर साहब को ज्ञापन दिया और ज्ञापन इस मामले में था कि 9 तारीख को नगर निगम के अंदर जो अशोक कुमार जी मीणा हैं उपायुक्त हैं उनके द्वारा हमारे मीडिया कर्मी भाई हैं जो उनके साथ में बदतमीजी की गई, कैमरा तोड़ने की कोशिश की गई, इसके विरोध में आज युवक कांग्रेस और NSUI ने कलेक्टर साहब को इस मामले से अवगत कराकर ये मांग रखी है कि इस तरह के जो उग्र प्रवृत्ति के जो अधिकारी हैं उनको हटाया जाए, क्योंकि आम जनता अधिकारियों पर ये विश्वास लेकर आती है कि अगर वो कोई बात उनके सामने रखेंगे तो उनकी कार्रवाई और उनकी मांग पूरी होगी, ना कि इस तरह का बर्ताव कि एक मीडिया कर्मी अंदर जा रहा है, क्योंकि लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहे जाने वाले मीडिया कर्मियों के साथ जब आम जनता की बात को दिखाने के बाद इस तरह की अगर घटना घटित होती है तो दुर्भाग्यपूर्ण है, निंदनीय है। इस तरह के अधिकारियों को हटाया जाना चाहिए तुरंत रूप से। क्या आश्वासन दिया कलेक्टर साहब ने? हमें ये आश्वासन दिया है कि जल्द ही इस मामले पर कार्रवाई की जाएगी और पूरी कमेटी बिठाकर जांच कराकर और आगे कार्रवाई की जाएगी। ईश्वर राजौरिया, युवक कांग्रेस। नगर निगम में आमजन उपायुक्त महोदय को खांजी हाउस में मर रही गायों के विषय में ज्ञापन देने गए थे तो मीडिया कवरेज उनको मीडिया जो कवरेज कर रही थी उन मीडिया कवरेज कर रहे लोगों के साथ में उपायुक्त साहब ने मारपीट की है, उसका वीडियो वायरल हुआ है। उस वीडियो वायरल होने के कारण हमें पता लगा तो हमने कलेक्टर साहब को ये ज्ञापन दिया है कि आमजन को अगर इस प्रकार की समस्या का समाधान अगर नहीं कर सकते ये अधिकारी तो इनको पदमुक्त किया जावे और सरकार से मांग की जाए कि ऐसे अधिकारी के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। हम भी हमारी सरकार से मांग करेंगे कि इस प्रकार के अधिकारी को सख्त से सख्त कार्रवाई कर और इन्हें आमजन की जो साथ में घटना घटी है उसके लिए इनको पाबंद किया जाए कि भविष्य में इस प्रकार की कोई घटना होती है तो इन पर कार्रवाई की जाएगी। पवन और यूथ कांग्रेस उपाध्यक्ष अजमेर दक्षिण।